हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट छांट कर बनाया हुआ है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 29 नंबर है, कीट के शरीर के ऊपरी सतह पर कठोर परत होती है जिसे स्क्लेराइट या स्क्लेराइड्स कहते हैं। यानी जो कीट के शरीर की ऊपरी सतह होती है उस पर एक परत पाई जाती है, कठोर परत होती है जिसे स्क्लेराइड्स कहा जाता है। ये कीट के शरीर को बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अगला है, कीट के सिर का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो कीट के सिर का अध्ययन एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाता है, जब वो भ्रूण की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दशा में कीट के मुखांग नीचे की ओर लगे रहते हैं? तो वो होती है हाइपोगनेथस। हाइपोगनेथस दशा में जो कीट का मुख होता है वो इस प्रकार नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस दशा में मुखांग पीछे की ओर लगे रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपिस्थोगनेथस। ऑपिस्थोगनेथस में जो है कीट के मुखांग पीछे की ओर लगे रहते हैं। हाइपोगनेथस का एग्जांपल है टिड्डा और ऑपिस्थोगनेथस का एग्जांपल है बग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले बार पेपर में आया हुआ है, पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट के सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाई जाती हैं। यानी कीट के सिर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी जोड़ी संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, कीट के सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका पाई जाती है, यानी एंटीनी जो होती है श्रृंगिका, ये भी एक जोड़ी पाई जाती है। अगला है, एंटीनी के 3 भाग होते हैं, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। ये 3 भाग एंटीनी के होते हैं, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। स्केप नीचे का भाग होता है, उसके ऊपर पाया जाता है पेडिसिल और फ्लैजिलम ऊपर कई खंडों में बटा होता है। ये सभी जो है कई खंडों में बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी, यानी कि यहाँ पर कुछ एंटीनी के मॉडिफिकेशन दिए गए हैं जो कि 10 हैं, सिटेसियस, फिलीफॉर्म, मोनिलीफॉर्म, सिरेट, पक्टिनेट, प्लूमोस, वरोल्ड, क्लेवेट और जेनिकुलेट और एरिस्टेट। ये हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी, एंटीनी के रूपांतरण। सिटेसियस जो है कॉकरोच और लीफ ऑपर में पाया जाता है, पिलीफॉर्म ग्रास ऑपर में, मोनिलीफॉर्म टर्माइट में, सिरेट पल्स बीटल में, पेक्टिनेट सॉफ्टफ्लाई और मोथ में, प्लूमोस मॉस्किटो में, रोल्ड मैंगो मिलीबग में, क्लेवेट बटरफ्लाई में, जेनिकुलेट हनी बी और वीविल में और एरिस्टेट हाउस फ्लाई में। ये क्वेश्चन पिछले बार पेपर में आया हुआ था कि हाउस फ्लाइज में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन की एंटीनी पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाता एरिस्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट में 2 प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, पहला है मैंडिबुलेट टाइप और दूसरा है हॉस्टुलेट टाइप। अगला है, कीट के मुख में निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी कीट के मुख के 5 भाग होते हैं। पहला है ऊपरी ओंठ जिसे लेब्रम कहते हैं, दूसरा है एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं और एक जोड़ी पाई जाती है मैक्सिली, और निम्न ओंठ जिसे लेबियम कहा जाता है और जिह्वा पाई जाती है जिसे हाइपोफायरिंग्स कहते हैं। तो ये हैं कीट के मुख के पार्ट यानी भाग। अगला क्वेश्चन है, बाइटिंग और चेविंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो बाइटिंग और चेविंग टाइप माउथ पार्ट काटने एवं चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं, ग्रास ऑपर में, लोकस्ट में, क्रिकेट में, टर्माइट में, बीटल में या फिर लेप्डोप्टेरा कुल के जो लार्वा हैं, सॉरी लेप्डोप्टेरा ऑर्डर के जो लार्वा हैं उसमें पाए जाते हैं बाइटिंग और चेविंग टाइप माउथ पार्ट। अगला है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो चुभने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बग टाइप, दूसरा होता है मॉस्किटो टाइप। बग टाइप पाया जाता है बग में, एफिड में, जैसिड में, वाइट फ्लाई में और लीफ ऑपर में। मॉस्किटो टाइप पाया जाता है मॉस्किटो में और फ्लाइज में। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। अगला है, सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट यानी साइफनाकार मुखांग पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा बटरफ्लाई और मॉथ, बटरफ्लाई और मॉथ में पाए जाते हैं साइफनाकार सिफोनिंग टाइप। अगला है, चेविंग एंड लैपिंग टाइप यानी चबाने और चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं, ये बी और वैस्प में पाए जाते हैं।
बी और वयस्क में पाए जाते हैं चेविंग एंड लैपिंग, चाटने एवं चबाने एवं चाटने वाले। अगला है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं थ्रिप्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार के मुखांग किस में पाए जाते हैं। और स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट जो कि पाया जाता है हाउस फ्लाई में, उसमें जो है मैंडिबल नहीं होता है, मैंडिबल अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मैंडिबल अनुपस्थित होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ में, मुखांगों में। अगला क्वेश्चन है कीट के किस मुखांग पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इपी फायरिंग्स, इपी फायरिंग्स पे स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कीट के किस मुखांग, कीट के मुख का कौन सा भाग काटने और चबाने के काम आता है। ये जो है गलत लिख उठा है, ये है कीट के मुख का कौन सा भाग काटने और चबाने के काम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडिबल्स, मैंडिबल्स जो है काटने और चबाने का काम आता है। इसके बाद है कीट के मुख का कौन सा भाग भोजन पकड़ने के काम आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मैक्सिली। इसके बाद है लेबियम का कार्य है, तो लेबियम का कार्य है मुख को बंद करना, ये जो है मुख को ढके रहता है, निचले होंठ के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कीट के मुख में जीभ जैसा अंग है, यानी जीभ किसे कहते हैं कीट के मुख में, तो वो हाइपोफायरिंग्स है, हाइपोफायरिंग्स जीभ के रूप में होता है, ये कीट के मुख का एक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है लेबियम के भाग हैं, तो लेबियम के तीन भाग होते हैं सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम। ये क्वेश्चन शायद पिछले बार पेपर में आया हुआ है, लेबियम के तीन भाग होते हैं सबमेंटम, प्रीमेंटम और मेंटम और प्रीमेंटम। अगला है मैक्सिली के भाग हैं, तो कार्डो स्टिप और गैलिया लेसिनिया और मैक्सिली, ये होते हैं मैक्सिली के भाग पार्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें निम्न में से कौन सा मैक्सिली का पार्ट नहीं है, उसमें तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक गलत होगा तो उसमें टिक करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है चुभोने चूसने वाले मुखांग वाले कीट में कौन सा मुखांग पतली सुई जैसी आकृति में बदल जाता है, तो चूसने एवं चुभाने वाले मुखांग में पतली सुई के रूप में बदलता है मैंडिबल्स और मैक्सिली। ये दोनों मिलकर चूसने और चुभाने वाले मुखांग में जो है पतली सुई जैसी आकृति बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कीट के मध्य तथा पश्चवच यानी थोरेक्स जो होता है आपस में जुड़े रहते हैं, इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है, इसे कहा जाता है पटेरोथोरेक्स। जो कीट का जो थोरेक्स होता है वो तीन भागों में बटा होता है, तो ये जो पीछे का दो है मध्य वाला और पश्च वाला, पीछे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, इन दोनों को एक साथ मिलाकर पटेरोथोरिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है पंख पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कीट का पैर कितने खंडों में बटा होता है, तो कीट का पैर पांच खंडों में बटा होता है, कीट का पैर पांच खंडों में बटा होता है। पहला है कोक्सा, दूसरा है ट्रोकेंटर, तीसरा है फीमर, चौथा है टीबिया और पाँचवा है टॉर्सस। यानी कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टॉर्सस, इन पाँच खंडों में कीट के जो पैर होते हैं वो बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्बुलेटेरियल टाइप लेग पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है कॉकरोच में, कॉकरोच में एम्बुलेटेरियल टाइप लेग पाए जाते हैं। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि कर्सोरियल टाइप टांगों का प्रकार पाया जाता है, यानी कौन से कीट में, किस कीट में कर्सोरियल टाइप टांग या पैर पाए जाते हैं, तो वो है आंट और वैस्प, आंट और वैस्प में कर्सोरियल टाइप पाए जाते हैं। इसके बाद फॉरेजियल टाइप टांग पाई जाती है, तो ये मधुमक्खी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पंखों का शिराविन्यास कहलाता है, तो पंखों के शिराविन्यास को विंग वेनेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंखों के शिराविन्यास को विंग वेनेशन कहते हैं। इसके बाद अगला है कीट के पंख में दो प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस वेन, यानी दो प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है क्रॉस वेन। लॉन्गिट्यूडनल जो है इस प्रकार से होता है और क्रॉस वेन होता है इस प्रकार से, जिसमें कि क्रॉस होता है। तो ये पंख के दो प्रकार के शिराविन्यास पाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।